आगे इसमें डिस्क ब्रेक मिलते हैं और ये है कार्बन फाइबर लुक्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबके अपने चैनल ऑटो एक्सपर्ट में। वैसे तो यार बजाज पल्सर का नाम ही काफ़ी होता है, लेकिन पल्सर के जितने ही मॉडल है ना, बेशक वो आर एस 200 हो या अपनी पल्सर 250 हो, एनएस 200, एनएस 160, पल्सर 150, एनएस 125, पल्सर 125, पल्सर का सबसे दमदार मॉडल है पल्सर 250 जो कि 24 प्लस BHP निकालता है। तो ऐसे ही आज हमारे सामने बाइक है पल्सर 180, इसी के बारे में बात करते हैं। हालांकि इसके कंपेयर के सबसे बड़ा जो कॉम्पिटिटर है वो है TVS अपाची RTR 180। तो देखते हैं उसके कंपेयर में क्या ये अच्छी बाइक हो सकती है। आगे से बात करते हैं इसमें क्या क्या मिलता है। तो पल्सर 150 है, उसी के मुकाबले सेम ही है, ज़्यादा कोई लुक चेंज नहीं है। ऊपर ये मिनी साइज़ की विंडशील्ड देखने को मिल जाती है और नीचे की तरफ आते हैं तो हेलोजन बल्ब के साथ इसमें हेडलाइट मिलती है। अब इसको चेंज कर देना चाहिए यार, LED मिलनी चाहिए थी। और ये मडगार्ड जो कि फाइबर में मिलता है और कार्बन फाइबर यहाँ पे लुक्स दिए गए हैं। आगे डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं सेफ्टी के लिए और आगे वाला टायर है 90x90 का 17 इंचज व्हील के साथ, तो इसमें 17 इंच के व्हील दिए गए हैं। और ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। पल्सर 180 की प्राइस की बात कर लेते हैं एक बार, तो 140,000 के आसपास प्राइस है ऑन रोड। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे लुक्स दिए गए रेड कलर में, ब्लैक एंड रेड कलर का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। और एक बार नीचे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे एक सिंगल हॉर्न देखने को मिलता है और काफ़ी स्पोर्टी इसमें लुक्स दिए गए हैं। और ये 165mm का साइड ग्राउंड क्लियरेंस, डबल स्टैंड भी इसमें दिया गया है, ये लेग ब्रेक। और ये 178cc का 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन BS6 इंजन जो प्रोड्यूस करता है 17 BHP और 14.5 Nm टॉर्क। तो आप देख सकते हो कि अपाची RTR से पावर ज़्यादा मिलती है। ऊपर पल्सर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और यहाँ साइड में कार्बन फाइबर लुक्स देखने को मिलते हैं। नीचे तरफ आते हैं तो ये फुटरेस्ट, पीछे फुटरेस्ट मिलता है। और ये नाइट्रोक सस्पेंशन, मतलब नाइट्रो सोक। और ये एग्जॉस्ट ब्लैक कलर में, पीछे में डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है, दोनों ही डिस्क ब्रेक मिलते हैं। पीछे की तरफ आते हैं तो मैं लाइट्स ऑन करता हूँ। एक काम करते हैं यार, इसको पहले स्टार्ट कर लेते हैं, उससे फिर एक बार एग्जॉस्ट नोट भी सुनते हैं और साथ ही इसकी बैक टेल लैंप भी देख लेते हैं। तो पहले आप इसकी बैक टेल लैंप देखो, LED मिलती है, प्योर LED बैक टेल लैंप देखने को मिल जाती है। और ये एग्जॉस्ट आप देख सकते हो, काफ़ी लाइट साउंड है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आपको एग्जॉस्ट का मज़ा लेना है तो आपको पल्सर RR 200 लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी हार्ड साउंड है। और पीछे वाला टायर साइज़ की बात करें, 120x80 का पीछे वाला टायर साइज़ है। व्हील बिल्कुल सेम है 17 इंचिस। और काफ़ी अच्छा इसमें चेन सेट देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का चेन सेट है। और ये साइड स्टैंड, और ये 5-स्पीड का गियर नॉक मिलता है। इसमें हमें 1 मीटर के आसपास की हाइट देखने को मिल जाती है और 2 मीटर की लेंथ मिलती है। और टॉप स्पीड 120 प्लस की है और 0-60 का टाइम है 8 सेकेंड। तो ये इसकी टॉप स्पीड की पावर। पल्सर 180 स्पोर्ट्स बाइक है तो इसमें स्पोर्टी जैसे लुक्स हमें देखने को मिल जाते हैं। और 151 kg का कर्व वेट है, तो वेट भी इसका काफ़ी अच्छा है। 180 में हमें 3 कलर के ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे हमारे सामने ब्लैक एंड रेड कलर का कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे टोटल 3 कलर है पल्सर 180 में। और काफ़ी अच्छे इसमें हैंड ग्रिप के लिए मिल जाते हैं, पीछे 180 की पैचिंग मिलती है। टैंक पे स्टिकर सा मिलता है, काफ़ी स्पोर्टी लग रहा है ये भी। हैंडल फीचर की बात कर लेते हैं तो पास की लाइट, हाई बीम लो बीम और साइड इंडिकेटर, नीचे हॉर्न का स्विच, और ये इंजन ऑफ ऑन करने के लिए, और नीचे स्टार्ट करने का स्विच। और ये हाफ डिजिटल हाफ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो RPM मीटर है वो अपना एनालॉग मिलता है और जो स्पीडोमीटर है वो अपना डिजिटल मिलता है। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो होती है, तो न्यूटन, ABS की लाइट अभी ऑन है, यहाँ से आप बटन को मतलब ट्रिप को सेट कर सकते हैं। टैंक देख लेते हैं कितने लीटर का मिलता है, तो इसमें 15 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। माइलेज इसकी प्रैक्टिकली देखे तो कंपनी तो 45K क्लेम कर रखी है, तो प्रैक्टिकली देखें तो 40 के आसपास की माइलेज इसमें मिलनी चाहिए। तो पल्सर के जितने मॉडल है उसमें प्रैक्टिकली देखा जाए तो इतने की माइलेज मिल सकती है, तो हालांकि CC बड़े होते रहते हैं तो माइलेज भी कम होती रहती है। तो 40 के आसपास की माइलेज 180 में हमें मिल जाती है। और यहाँ पे एक स्पेस भी मिल जाती है जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स या कोई कपड़ा वगैरह रख सकते हो बाइक वगैरह साफ़ करने के लिए। तो ये था 180 का फुल स्पेसिफिकेशन रिव्यू। और अपाची आटा 180 की मैं बात करूँ तो उसमें लगभग 16.7 BHP निकलता है और 15.5 Nm टॉर्क निकलता है,
तो कहने का मतलब है टॉर्क के मामले में RTR 180 आ गया है, तो उसका भी रिव्यू आपको जल्दी मिलेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। गुड लक।